में आता रहा और मैं समझता हूँ पूरे देश के सामने आज भी है कि काला धन कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है। इसका सीधा सीधा जवाब मुझको एक टेलीविजन चर्चा में मिला, जिसमें मेरे एक तरफ एक पूंजीपति बिजनेसमैन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और दूसरी तरफ एक राजनीतिज्ञ थे। तो मैंने उन दोनों से पूछा, वो बिजनेसमैन से पूछा कि आप राजनीतिक दलों को जो चंदा देते हैं वो नकद क्यों देते हैं, चेक से क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि हम तो चेक से देने को तैयार हैं लेकिन राजनीतिक दल चेक से लेने को तैयार नहीं है। फिर मैंने राजनीतिज्ञ से पूछा कि आप चेक से क्यों नहीं लेते। उन्होंने कहा कि हम तो चेक से लेने को तैयार हैं लेकिन ये बिजनेसमैन हमको चेक से देना नहीं चाहते। तो ये बात सुनकर मैं बहुत चकित रह गया कि दोनों लोग कह रहे हैं कि हम तो चेक से देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दूसरा नहीं चाहता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप दोनों में से कोई तो शायद झूठ बोल रहा होगा, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन बाद में मैंने इस पर थोड़ा सोचने की कोशिश की तो ये समझ में आया कि अगर चेक से पैसा दिया जाए तो सारा का सारा पूंजीपति की कंपनी से राजनीतिक दल को उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर एक कोई पूंजीपति अपने किसी अकाउंटेंट या किसी चेले को कहता है कि भाई जाके तुम 10 करोड़ रुपए फला पार्टी को दे दो, तो वो कंपनी से तो 10 करोड़ लेकर जाता है लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी को शायद 9 करोड़ देता है। अब क्योंकि कैश में है और इसका कोई हिसाब है नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी उनसे पूछने तो जाती नहीं कि आपने कितने पैसे दिए, वो 9 करोड़ लेके खुश हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में भी वो 9 करोड़ उनके जो खजांची होते हैं, कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर होते हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको दिया जाता है। वो भी आगे अपनी पार्टी के खाते में 9 करोड़ नहीं 8 करोड़ जमा करते हैं। तो ये काले धन का सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है। अब जब ये समझ में आया कि ये झगड़ा चल रहा है या ये धंधा चल रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा जाए कि आपके पास कितना पैसा है, क्या होता है। तो इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई हुई, वो चल रही है अभी भी। पहले उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी गई, उसको लेने में 2 साल लगे। वो जब मिल गई तो पता लगा कि पॉलिटिकल पार्टियाँ हजारों करोड़ की अपनी आय या इनकम तो बताती हैं लेकिन उस पर टैक्स कोई नहीं देती, क्योंकि हमारी ही संसद ने एक कानून पास किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A, जिसमें लिखा है कि राजनीतिक दलों को कोई इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, उनको इनकम टैक्स की 100% छूट है। फिर हमने देखा कि ये छूट तो है लेकिन ये आमदनी आ कहाँ से रही है। तो फिर पता लगा कि ये छूट लेने के लिए राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन को एक सूची देनी पड़ती है कि उनको कितने कितने चंदे मिले। उसमें एक लूप होल छोड़ रखा है कि 20,000 से कम के चंदों के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, हमने वो सूची इलेक्शन कमीशन से ली तो पता लगा कि जो 20,000 से ज़्यादा वाले चंदे हैं वो राजनीतिक दलों की आमदनी का सिर्फ 20 से 25% तक है। तो ये जाहिर हुआ कि राजनीतिक दलों की 75 से 80% की आमदनी का सोर्स या स्रोत मालूम ही नहीं है। तब हमने पॉलिटिकल पार्टियों को RTI एप्लीकेशन दी कि आप बताइए कि ये इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो RTI के दायरे में आते ही नहीं हैं। फिर हमने CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील की, उसमें प्रशांत जी भी हमारे साथ थे, तो वहाँ से बड़े बड़े वकील आए लेकिन प्रशांत जी की दलीलों ने उन सबको पस्त किया और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल RTI एक्ट के अंडर पब्लिक अथॉरिटी हैं या के सार्वजनिक संस्थान हैं, लेकिन 6 राष्ट्रीय दलों ने उनमें BJP, कांग्रेस, NCP,
बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम ये शामिल हैं, इन्होंने सीआईसी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जब हमने सीआईसी को शिकायत की कि आपके फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो दो साल तक इधर उधर खींचातानी करने के बाद सीआईसी ने लिख के दे दिया कि हम अपने फैसले को लागू नहीं करवा सकते। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैचुरी जो संस्थाएं हैं उनका हाल है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील पे है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। उस अपील में भी पॉलिटिकल पार्टियों से पहले भारत सरकार, जो कि हम सब की सरकार है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे अपना हक नहीं मानता क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन सरकार एक नागरिक के नाते मेरी सरकार है, मैं सरकार से उम्मीद रख सकता हूं कि वो देश के लिए कुछ काम करे। लेकिन उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के नीचे नहीं आनी चाहिए। एक किस्सा तो ये है। दूसरा किस्सा मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि हमें ये पता लगा कि कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ विदेशी कंपनियों से चंदा लिया है, उसके बारे में हाई कोर्ट में पीआईएल किया गया, वो भी प्रशांत जी ने किया। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विदेशी चंदा लेने वाले कानून का उल्लंघन किया है, और भारत सरकार को ये कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। अब आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ क्या कार्रवाई की होगी। खतों किताबत थोड़ी सी हुई लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इस बीच में दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, वो अपील चलती रही 1.5 साल के बाद अभी पिछले 29 नवंबर को दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम अपनी अपील वापस ले रहे हैं। अपील वापस हो गई, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और अभी आपने शायद पढ़ा होगा, आज के अखबार में भी है कि 3-4 दिन पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यह कहा कि बाकी जनता और कंपनियां और संस्थाएं जो देश में हैं, अगर कोई 2.5 लाख से ज़्यादा रुपया जमा करेगा तो उससे पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया। लेकिन परसों ये कहा गया कि राजनीतिक दल जितना मर्जी पैसा जमा कर सकते हैं बैंक में, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि क्या राजनीतिक दलों पर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता है? क्या राजनीतिक दल आसमान से टपके हैं कि वो कानून के ऊपर हैं क्योंकि उनके प्रतिनिधि संसद में हैं और उनको संसद में बैठ के कानून बनाने का अधिकार है? ये मानने की बात है, हम मानते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन कानून बनाने का जो तरीका है वो संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। अगर कानून असंवैधानिक तरीके से बनेगा तो वो कानून संवैधानिक नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल के फेंका जा सकता है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, और मैं समझता हूँ अगर सब लोग इच्छा रही तो शायद सुप्रीम कोर्ट को फिर से ये करना पड़े। तो देश में काले धन का जो सबसे मूल स्रोत है वो राजनीतिक दल हैं, और इसमें कोई एक राजनीतिक दल नहीं है, इसमें सारे के सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। इसलिए काले धन का जो हल्ला बोल है वो तभी कामयाब होगा जब राजनीतिक दलों को देश का कानून जो उनका खुद का बनाया हुआ है उसको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हम लोगों को कहना चाहिए कि राजनीतिक दलों को देश के कानून का पालन करना होगा, इसके बारे में कोई चर्चा होने का मार्जिन नहीं है। तो राजनीतिक दलों को सीखना पड़ेगा कि उनको संविधान के अंतर्गत काम करना है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इससे ज़्यादा सुधार, चुनाव सुधार, राजनीतिक सुधार, समाज सुधार, देश सुधार, जब तक राजनीतिक दल ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, काला धन तो देश में ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप ख़त्म करने से पहले आपको एक शेर सुना देता हूं राजनीतिक दलों के लिए। वो किसी शायर ने कहा है, जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो,
ظالموں اپنی قسمت پر نازا نہ ہو, دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ جو کام ہے یہ چلتا رہے گا ساری عمر, یہ غلط ہے. ظالموں اپنی قسمت پر نازا نہ ہو, دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. تھینک یو ویری مچ.